सब जगह विकृतियां हम लोग ढूंढ निकाल लेते हैं, जैसे वकील मुकदमा में कोई धारा ढूंढ लेता है बचाव की, वैसे हम लोग अपने इंद्रिय तोषण के लिए, अपने अवगुणों को ढकने के लिए रास्ता निकाल लेते हैं। सच्ची भक्ति वही है, अब हमको खीर खाना है तो क्या कहेंगे, आज राम जी की इच्छा है खीर बन जाए। अरे राम जी की इच्छा है कि तुम्हारी इच्छा है? आज मौसम खराब है, आज राम जी चाहते हैं गरम गरम पकौड़ी कलयुग में आ जाए। अब राम जी जान चाहते हैं कि तुम्हारा मन चाहता है? ये सब विकृतियां हम लोग ढूंढ लेते हैं, और जबकि अच्छे भोजन को मना किया गया है, भालो ना खाइए, भालो ना पहरिए, महाप्रभु जी ने कहा है। सबसे बढ़िया पंगत होती है, अब नाम क्या लें, तो साधु समाज समझो, किसी के नाम नहीं लेंगे। जबकि रसिकों के लिए बिहारी देव जी ने लिखा है, खान पान सुख चाहे अपने, प्रेम पदारथ छुए न सपने। प्रेम तो सपने में भी नहीं आएगा तुम्हें, जागृत तो दूर है। जब प्रेम ही नहीं तो रस उस कहाँ है। खान पान सुख चाहे अपने, प्रेम पदारथ छुए न सपने। इंद्रियों के तोषण से सपने में भी प्रेम नहीं आएगा, भक्ति नहीं आएगी। इंद्रियों को तोषण भक्ति नहीं है, विकर्म है। अगर शास्त्र मानते हो नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, पांचवें स्कंद में पांचवा अध्याय, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म चार, प्रमाद क्या है? विकर्म। विकर्म क्या है? इंद्रियों की प्रीति के लिए जो काम किया जाएगा वो विकर्म है। विकर्म की परिभाषा विद्वान लोग घुमा देते हैं, कोई कोई यहां तक कर देते हैं विशेषण कर्म, और नहीं तो विगतः कर्म, जो कर्म चला गया वो विकर्म है। प्रमाद से विकर्म होता है, वो क्या होता है? इंद्रिय प्रीतय आप्रणोति, इंद्रियों के प्रेम के लिए जो कर्म किया गया वो प्रमाद है। आ गया क्या है लाइन, न साधु मन्ने, विकर्म नहीं करना चाहिए, इससे अवश्य तुमको जीवन मरण होगा। यदिंद्रिय प्रीतया नूनम प्रमत्तः कुरते विकर्म, यदिंद्रिय प्रीतया प्रणोति, न साधु मन्ने यत आत्मनोयम असन्न पिक्लेशद आसदेह। क्लेश पूर्ण शरीर मिला करेगा तुमको। विकर्म का फल क्या है? महात्मा लोग कहते हैं ये तितली क्या है, ये पहले जन्म स्त्री थी, बड़ी रंग बिरंगी साड़ी बाड़ी पहन करके फैशन से चलती थी, अब तितली बन गई है, अब कीड़े मकोड़े भी खा जाते हैं इसको। जैसे फैशन में रहने वाली उसको कामी लोग नहीं छोड़ते, खाई जाते हैं, फंसाई लेते हैं चंगुल में। विकर्म का फल क्या है? असत शरीर, और उस विकर्म में हमारा समाज फंस गया है, हम लोग फंस गए हैं। हमारे यहाँ हमें याद है, पुरानी बात है, बीसों साल की होंगी अभी की नहीं, आदिबद्री में यात्रा रुकी थी तो उतने में विरक्त मंडल की यात्रा आ गई। विरक्त मंडल की यात्रा चलती थी भारतवर्ष में, नाम विरक्त मंडल था लेकिन उसमें बड़ी मौज थी। मेमो को तो साग बनता था, हम लोग तो ज़्यादा ज़्यादा आलू टमाटर को ही सब बहुत अच्छा मानते हैं। अब वो आदि बद्री में वो भी यात्रा के रुकी, हमारी भी रुकी, हमारी वही दाल फुल्का मुश्किल से, उस जमाने में दाल फुल्का भी नहीं थे, कभी कभी खिचड़ी बनती थी, कभी पुआ बनाते, पुआ पुआ कहते हैं नित्यानंद जी बनाते थे, ऐसे ही मामला था। और वो यात्रा वहाँ रुकी तो हमारे यहाँ कुछ संत लोग वहाँ चले गए और एक ही पंगत पा करके हमारी यात्रा छोड़ गए। माँ मेवों का साग है, मौज है, विरक्त मंडल की यात्रा है, ये सब विकृतियां हैं जो हम लोग अपने मन के अनुसार विकर्म को
भक्ति की परिभाषा दे करके बदल देते हैं। कृपा करो कृपा करो राधा रानी कृपा करो।